हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे और आपके चैनल पर। तो आज का टॉपिक है अमेजिंग फैक्ट अबाउट नेपाल। तो नेपाल का पहला फैक्ट ये है कि हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट सहित, मतलब माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 10 सबसे ऊंची पहाड़ियों में से 8 नेपाल में है। नेपाल एक अकेला ऐसा देश है जो आज तक कभी गुलाम नहीं बना, इसलिए यहाँ कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका झंडा चौकोर ना होकर नेपाल का झंडा दो त्रिभुज से जुड़कर बना है। नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिल लुम्बिनी में हुआ था, जो आज यहाँ पे मौजूद है, नेपाल में मौजूद है। लीबिया के बाद नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे धीमी गति में नेट चलता है, इंटरनेट चलता है। धर्म और जाति के नाम पर नेपाल में आज तक खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये सबसे बढ़िया फैक्ट है कि नेपाल में आज तक खून खराबा नहीं हुआ जाति पाति के नाम पर। नेपाल में हाथ मिलाना प्रचलित नहीं है, मतलब अधिक प्रचलित नहीं है। हमारे यहाँ हेलो हेलो कर लेते हैं हाथ मिलाकर, पर नेपाल में नमस्ते करते हाथ जोड़कर। गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, और नेपाल में गाय को काटना बैन है और उसके लिए सजा भी मिलती है अगर गलती से कर भी दिया। नेपाल कभी तंबाकू का अड्डा कहा जाता था, सबसे ज़्यादा तंबाकू वहीं पाया जाता था, परंतु अब नेपाल ने प्रतिबंध लगा दिया तंबाकू पर, इसलिए अब नेपाल में तंबाकू नहीं पाया जाता। नेपाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या उसकी राजधानी काठमांडू में रहती है। नेपाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहती है। नेपाल में 81.3% जनसंख्या हिंदू है, 81.3% हिंदू है। नेपाल में 52.3% पुरुष और 75.3% महिलाओं ऐसी है जिन्होंने आज तक शराब को चखा नहीं। नेपाल खाना खाने के लिए कभी भी बाएं हाथ का यूज़ नहीं करता, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं करता। नेपाल में रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को अवकाश होता है। हमारे यहाँ रविवार को छुट्टी होती है, बस शनिवार को छुट्टी होती है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय नेपाल, जय भारत।